आइन क्या है, हरीम क्या है और क्लीम क्या है, इसका सीधा संबंध आपके रसों से कैसे है, आपके जीवन में किस प्रकार से ये उच्चता प्रतिष्ठा लाता है और कैसे आपके रसों को शोधित करता है, वो जानने के लिए आपको इस अग्नि से गुजरना ही पड़ेगा, इस चैंटिंग से गुजरना ही पड़ेगा, इस महाज्ञान की तरफ आना ही पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने अस्तित्व की बात है, हर व्यक्ति अपने अपने अस्तित्व के लिए चलायमान है। कोई व्यक्ति पूरे मेरे जैसा है, पूरे संसार के लिए खड़ा है, कोई व्यक्ति केवल अपने धर्म के लिए खड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति केवल अपनी जाति के लिए, कोई व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए, कि कोई व्यक्ति अपने आप के लिए ही खड़ा हो सकता है, है? ठीक है, सबका अपना अपना अस्तित्व है। तो हर व्यक्ति को इस महाविद्या, इस रसों की महाविद्या, इस ग्रहों की महाविद्या तक जरूर पहुंचना चाहिए। ठीक, नंबर वन। नंबर टू जो है वो है कि आइम, ह्रीम, क्लीम जो है उनके अपने अपने रस हैं। पहले तो आइम सरस्वती का ही बीज मंत्र है और सरस्वती अपने आप में सौंदर्य हंसवाहिनी है, वीणा वादिनी है, रिदम लाने वाली है जीवन में, अपने आप में ज्ञान का भंडार है, अपने आप में रसों को शोधित करने वाली हैं, सौंदर्य रस, हास्य रस और शांता रस का आधिपत्य रखने वाली हैं। तो वैसे ही भुवनेश्वरी जो है वो वीर रस, हास्य रस और इस प्रकार की महाविद्याओं का रसों पे आधिपत्य होना जो है उनसे संबंधित होता है। फिर ऐसे ही जो क्लीन है वो सौंदर्य रस, श्रृंगार रस है ना। परंतु अगर ये अभी सिर्फ मैं आपसे पॉजिटिव बातें कर रहा हूं, नवान की बहुत पॉजिटिव बातें कर रहा हूं आपके साथ, अभी मुझे आपको वो सब बताना है कि लोग जो हैं वो नवान में करते करते एकदम से पीछे क्यों हट जाते हैं। किसी को डर लगने लगता है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई घर पे झगड़ा करने लगता है, ठीक, वो क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है। इस कोर्स में हम यही तो बातें कर रहे हैं, किताब में तो वैसे भी सब कुछ लिखा है, यही बातें तो हम कर रहे हैं इस कोर्स में। तो पहले, इससे पहले हमें रसों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, इससे पहले हमें रसों को जानना बहुत जरूरी है।